चालर उससे उम्मीद करता सब बढ़िया होता है यार। आज के सीढ़ी में वैसे कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं करने के लिए, तो फाइनली मैंने एक को अब कुछ ऐसा सा बना लिया जिसे मैं सेटअप कह सकूं शायद से, क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, जब मैं पहले बनाता था आज से अराउंड एक साल पहले जनवरी के टाइम, तो उस टाइम पे मेरे पास सेटअप के नाम पे सिर्फ एक फ़ोन और मेरा हेडफोन कहाँ गया, यहीं पे कहीं आसपास पड़ा होगा। बाय द वे ये रही मेरी ग्रीन स्क्रीन, ये भाई हरी चार्ट पेपर, ये मैंने जगह इसकी भी चेंज कर दी, पहले ये दूसरे रूम में था, उससे पहले किचन में था, तो इसलिए मैंने अब इसको हटा लिया। तो तुम लोग देख लियो ना सारे मेरा सेटअप, अच्छा लगना रहा तो यार तुम लोग अपने कमेंट्स करके बताओ यार कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, और ये बताओ मुझे इसमें और ज़्यादा चेंजेस क्या करनी चाहिए। तो कहने के मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इट्स सस्ते साइंग इन आउट। तुम लोग को क्या लगा ऐसे ही चल जाओगे, आए तो वॉच टाइम देते चल जाओ। तो यार वैसे तो मैं चाहूँ तो बस तुमको ऐसे ही दिखा के चला जाऊँ, बट यार नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, तो इसलिए ना मैं एक अच्छे यूट्यूबर की तरह हर एक चीज़ तुम लोग को दिखाऊंगा जो तुम लोग को एक्चुअल में पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को वही दिखाने वाला, और क्या ना क्या बिना ज़्यादा देरी के शुरू करता आज की वीडियो। सो ओके, तो यार सबसे पहले अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं रहता कहाँ हूँ। ये दरअसल जो सामने ये दरवाज़ा दिख रहा है इसी के पीछे मेरी गुफा है जिसमें मैं बैठ के पागलों की तरह वीडियोज़ बनाता हूँ। तो ये बाय द वे जो दरवाज़ा है दरअसल देखो ना गेस्ट रूम था, ये उसके अंदर का है, काफ़ी दिनों से गेस्ट नहीं आ रहे थे तो ये रूम एकदम कबाड़ा तरह हो गया था, इसमें काफ़ी गर्दे और धूल लग गई थी, तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर इस रूम की पूरी सफाई की है। अब ये फाइनली कुछ ऐसा दिखता है, बाय द वे हम लोग अंदर चलते हैं। तो घुसते ही हम लोग को देखो एक रूम दिखेगा, देख रहे हो ये गद्दे से बिछे हुए, गेस्ट लोग यहीं आके बैठते, बाय द वे अभी अंधेरा है तो शायद कुछ खास नहीं दिख रहा होगा। ये देखो वहाँ पे पर्दे, देखो मैं तुम लोग को अपने सेटअप टूर में पर्दे और दिवाले दिखा लो, देखो देखो नहीं देखो तुम लोग। तो ये रही मेरी ग्रीन स्क्रीन, एक मिनट तुम लोग को पहले लाइट ऑन करता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने लाइट ऑन की, ये देखो जुगाड़े, हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा फट सा गया, कह रहा हूँ टूट सा गया है, मैं जानता हूँ, मैंने बताया ना यहाँ पे कोई केयर नहीं है, ये सब मिडिल क्लास लोग वाला काम है, इसमें ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हम लोग अब ये वाले से दूसरी बत्ती जला लेते हैं, क्या दूसरी बत्ती जल गई, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। सो ओके, तो ये वो ग्रीन स्क्रीन है जो सबसे पहले एकदम ऊपर वाले दूसरे रूम में थी, एकदम छोटी सी थी, अराउंड बस इसका ये वाला पोर्शन से यहाँ तक, बस इतनी बड़ी ग्रीन स्क्रीन थी मैंने इतनी बड़ी, और साथ में नीचे का ये जो पोर्शन है इसको ऐड किया। तुम लोग को अब अच्छे से दिख रहा होगा कि हाँ देखो ये जॉइंट से, नहीं तो तुम लोग सोचोगे इतना बड़ा चार्ट पेपर कहाँ से आया। मैंने दरअसल ना ये चार या पाँच चार्ट पेपर्स को मिक्स करके इस इतनी बड़ी सी दीवार पर कहाँ गई, हाँ ये इतनी बड़ी सी दीवार पे मैंने इसको अटैच किया। जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा साइड आते हैं तो ये रही मेरी चेयर जो कि टूट गई थी, मैं दरअसल ये आज ही सुबह हुआ है, मैं ना इस पर आराम से बैठ के गोल गोल बच्चों के तरह झूला झूल रहा था, इसका नीचे का बेस टूट गया, देखो वहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ी लगा के किसी तरह एडजस्ट किया, बैठने लायक बनाया है। अब देखो इसका जाके बेस भी लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं ले लेंगे, बहुत पहले खर्चा कर लिए। बात तुम लोग उसके साइड में जो देख रहे होगे वो रही RGB लाइट। देखो यार अब देखो मेन मसला क्या ना था कि जब मैं मुझे ये सेटअप बनाना था तो मैंने जब ये सब चीज़ बना ली, ओ वे एक मिनट रुको, तुम लोगों यार ये दिख रहा होगा वो, उस पर हम लोग जाने से पहले पहले इसकी बात करते हैं। तो ये वो दरअसल देखे ना तुम लोग यूट्यूबर लोग के उसमें सेटअप पे कि ऐसे ये क्या होते हैं, एक मिनट रुको गिनने दो, इसकी कुछ शेप कहते हैं क्या इसको कहते हैं, रुको एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ हेक्सागन। तो यार जो ये हेक्सागन है ये दरअसल मार्केट में आते काफ़ी महंगे, तो मैंने किया क्या कि मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, मेरे पास ब्लैक कलर का पेंट, गाड़ी वाले प्लीज़ क्यों शोर कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो यार हम लोग ये गाड़ी वाले को इग्नोर करते हैं, हम लोग मेन बात करते हैं इस पे, हमारा मेन मुद्दा ये है। तो यार दरअसल ये कार्डबोर्ड थे, मैंने इसको इतना देखो अच्छे तरीके से काट दिया और इसके ऊपर देखो काले पेंट किए, देखो यार अब ये तो बड़ास लग रहा है। बाद अब हम लोग इस पे बात करते हैं, अब चूंकि यार ये वाली वॉल जो है भाई कर लेने दो यार, क्यों शोर कर रहे हो, पागल हो गए हो, 2 बजे पागल की तरह हॉर्न मार रहा है गाड़ी का, पागल रोड खाली है, पता नहीं किसको भगा रहा है पागल। तो हाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो यार जो ये लाइट है मैंने खरीदी थी, दरअसल एक खो से मेरा काम हो जाता, बट ना मैंने एक खो यहाँ पे लगी है और एक खो यहाँ पे लगी है, ओ माय गॉड सारा एक्सपोजर ख़राब हो गया इस कैमरा का। तो यार जो भी एक लाइट यहाँ पे लगी है, एक लाइट यहाँ पे लगी है, तो वैसे तो मेरा एक लाइट से काम हो जाता, बट यार एक लाइट अराउंड 250 की पड़ रही थी और दो लाइट मिला के 370 या 380 उसी के बीच में पड़ रही थी। तो मैंने सोचा भाई जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम लोग वो खरीदेंगे, तो इसलिए मैंने ना दो खरीद ली, क्योंकि बाई चांस फ्यूचर में खर्चा करना रहा तो यार अच्छे से करेंगे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा पैसे बचा लिए इसमें। दरअसल एक ही रिमोट से दोनों लाइट कंट्रोल होती है, इसलिए ना मैंने एक को रिमोट यूज़ कर रहा हूँ, एक को रखा है उसके, ये मैं बताता हूँ कहाँ रखा है, बाय द वे हम लोग इधर अभी बात करते हैं वो भी बताऊँगा कहाँ है। बाय द वे ये है मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड, मैकेनिकल नहीं मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन फिर मैकेनिकल जैसे आवाज़ करते हैं, तुम लोग सुनो, आया सबसे इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर ये कुछ एक्स्ट्रा से बटन से लगे हैं, इससे कुछ मल्टीमीडिया कीज़ है, इसको इग्नोर करो। और यार इसके बगल में मेरा एकदम भयंकर मस्त रापचिक एकदम बवाल सा माउस, इससे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ,
वो क्या नहीं, ओ मेन बात, अब मेन मुद्दे पे आते तो यार, मेरे पास कीबोर्ड माउस तो है बट पीसी तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ मैं इस ये जो ट्रैपॉड है ये भी मैंने खुद से बनाया भाई, देखो हम लोग देखो खर्चा करने वाले लोग नहीं है भाई, आप लोग देखो खुद पे विश्वास रखते हैं। आत्मनिर्भर भारत को मैंने ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, तो ये मैंने ट्रैपॉड बनाया था, ये सेल्फी स्टिक का देख रहे हो ऊपर का माउंट है, ये उससे मैंने बनाया था, और इस पर मैं दूसरा वाला फ़ोन, मेरा दूसरा फ़ोन है रेडमी नोट 9 प्रो, उस पर मैं क्या नाम है इसको लगा के कीबोर्ड माउस से उस हब के मदद से माइनक्राफ्ट खेलते हैं, या तो दूसरी वीडियो कभी रिकॉर्ड करी रहती है जिसमें कीबोर्ड माउस रिक्वायर्ड होते हैं तो वो करता हूँ, मज़ा आता है खेलने में, इतना पीसी पीसी फील होता है। और वो रहे मेरे हेडफोन्स, उसका मैंने आज तक कभी भी तुम लोगों को बताया नहीं कि क्या है। तो अच्छा हाँ, वैसे इसको बात करते हैं, ये है ज़ेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, ये है ज़ेब्रोनिक्स का माउस, सस्ते वाले एकदम बेसिक वाले कॉम्बो मैंने लिया था, और ये एक मिनट उस पर बात करने से पहले, तो यार ये है मेरी रिंग लाइट, और ये है मेरा उसके साथ का ट्राइपॉड, और ये है मेरा क्या नाम है इसका, एक मिनट देखने दो क्या है, पोको, ये है मेरा पोको F1 जिसको मैं अभी फिलहाल कैमरा की तरह यूज़ कर रहा था, और ये है मेरी रिंग लाइट। देखो मैंने रिंग लाइट इसलिए खरीदी थी ताकि यार जब यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे थे और मेरी जॉब से नहीं आते, तो मैं ये टिकटॉक पे टिकटॉक बना रहा था, उससे कम से कम दो वक्त की रोटी मिल रही थी, तो यार इसलिए मैंने इसको भी खरीद लिया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यार इसलिए मैंने ये सस्ते में पड़ गया था, अराउंड मुझे ये कुछ 700 का शायद, हाँ 700 का पड़ा होगा ये, तो इसलिए मैंने खरीद लिया, इसके साथ रिंग लाइट ले मिल रही थी। मेन ना मेरा मसला क्या ना था, मुझे एक को ट्रैपॉड चाहिए था, क्योंकि ये वाला ट्रैपॉड बहुत छोटा पड़ा था, हाइट मैच नहीं हो रही थी, मुझे एक को एक्सटेंडेड टेबल लगाना पड़ रहा था, बहुत तामझाम था यार, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। और ये मेटल फिनिश में भी था, पूरा मेटल का, एक को प्लास्टिक वाला भी आता है, लेकिन मैंने मेटल वाले लिए। देखो हम लोग ना ड्यूरेबल चीज़ लेने पे बात समझते हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ आई नो कुछ आदत छूट गई है, इतने दिन से वीडियो नहीं ना बना रहा हूँ तो आदत छूट गई है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये है मेरे कॉस्मिक वाइट के ब्लेजर हेडफोन। नो सच बोलिए यार, इसकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी है, ड्राइवर्स भी बढ़िया है इसके, कुछ 50 mm के ड्राइवर है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और स्टार्टिंग में वीडियोस पे मैं इसी के माइक से काम करता था, कहाँ गया इसका माइक, इसका माइक ये रहा, इसके माइक से मैं पहले रिकॉर्ड करता था, अब मेरे पास बोया M1 है, वो इसमें अभी फिलहाल लगा है, तुम लोग को सुनाई दे रहा होगा कैसी क्वालिटी है। तो ये रहा बोया, अरे भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा, तुम लोग को पता है, तुम लोग ने शायद देखा है, कहाँ गया, हाँ तो फोकस कर ले, अबे फोकस, अबे ओ। 2000 years later. फाइनली फोकस किया। तो ये है मेरा बोया का माइक, कंडेंसर माइक है, जो अभी मैं फिलहाल कैमरे में लगा के कर रहा हूँ, और फोकस वापस नॉर्मल करते हैं। अब ये इतना सामान तो है, ये टेबल भी मैंने खुद से बनाई है, और नीचे के तार वार को इग्नोर करो, वो खुले खुले तार है, कब क्या पता करंट लग जाए, कुछ नहीं कह सकते, अभी फिलहाल सब चीज़ ठीक करना है मुझे, जल्दबाजी में सब चीज़ यहाँ पे बनाए मैंने। तो ये जो तार है वो पीछे से जाते हुए, उधर से जाते हुए, वहाँ से उस स्विच बोर्ड में लगता है, जिससे मुझे बिजली मिलती है ताकि मैं ये कर सकूँ, और जब ग्रीन स्क्रीन का काम करना रहता है मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ उसके पीछे, यहाँ पे अराउंड, और यहाँ पे मेरी तब वीडियो बन जाती है। बाय द वे, अब जब हम लोग इतना ढेर सा सामान है, बाकी का मेरा सामान कहाँ गया, तो बाकी का सामान जब हम लोग इधर खसकते हैं, तो ये रही एक फ्रीज, जिसमें पानी के अलावा हर एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। बाय द वे ऊपर ये मेरी सॉफ्ट लाइट रखी है, और ये वही कुर्सी के कुछ पुर्जे से रखे हुए, देख रहे हो वहाँ पे टायर वगैरह जो मैं बताया था टूट गई है, वो देखो किनारे रखी हुई है, उसको रिप्लेस करना है, देख के वापस से याद आएगा कि काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा है। तो लाइक कर दो इस पर अगर मज़ा आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब यार हम लोग इस फ्रीज के अंदर आते, तो ये फ्रीज के अंदर ना आपको कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी के अलावा हर एक चीज़ मिलेगी। इसके अंदर है मेरे कीबोर्ड माउस के डब्बे, कुछ और डब्बे, अमेज़ॉन के डब्बे, मेरा शायद वो हेडफोन का डब्बा है, और यहाँ पे रहा मेरा इसको क्या कहते हैं, ये कनेक्टर, ये माइक का डब्बा, तार, कुछ टेप की, यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे कुछ भी सीन हो जाते तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे वो टेप है, और वो रहा मेरा VR, ये भी मैंने खुद से बनाया, देखो हम लोग DIY पे रहने वाले लोग हैं। और वो रही मेरी डेथ नोट, जब भी मुझे किसी नालायक के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं उसका इसमें नाम लिख देता हूँ, देखो ये भड़ास पूरी हो जाती है, इसलिए मैंने बना दिया था। ये रहा रिंग लाइट का डब्बा, और वो रहा दरअसल वो ना एक कपड़ा है जिससे मैं ना ये सब चीज़ पे पोंछता रहता हूँ, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो यही सब है मेरे पास अभी फिलहाल, अभी ना मुझे काफ़ी ढेर सारी चीज़ें लेना है। बाय द वे इसको अभी हम लोग थोड़ा बंद कर देते हैं। तो यार तुम लोगों को लग रहा होगा मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं तुम लोगों को ये सेटअप दिखा सकूं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने दरअसल ये वीडियो ना इसलिए बनाया ताकि ना मैं एक मेमोरी की तरह इस सब चीज़ को याद रख सकूं, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में थोड़ा आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं, वैसे मुझे कन्फर्म नहीं लगता, क्योंकि यार देखो अगर बनना होता तो कब का बन चुके होते हैं। बाय द वे मेरे पेरेंट्स ये सब के अगेंस्ट है, क्योंकि देखो यार मैंने इतना कुछ सामान सा ले लिया है, मेरे पेरेंट्स काफ़ी अगेंस्ट है कि ये सब चीज़ें पे फालतू खर्चा कर रहे हैं, और उन्हीं लोग कहते हैं कि क्या नाम है, अगर कब बनना होता यूट्यूब से तो कुछ बन चुके होते। कोई बात नहीं, नहीं बने, मेरी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी थी। बाय द वे चेयर गिर रही है, बताया था तुम लोगों को चेयर खराब है।
तो यार यही बताना था। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे, देखो मेरे पेरेंट्स ऐसे से बोलते, तो यार मैं खुद को कैसे मोटिवेट करता हूँ, तो मैं ना हमेशा खुद से यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कोई एक ड्रीम है और तुम उसको पाना चाहते हो, तो तुमको ना उसके लिए ना अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि ना अगर तुम अपने ड्रीम को पाने के लिए कोई चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो तुम ना यार उस ड्रीम को भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो यार इसलिए ना लाइफ में रिस्क लेना सीखो। बाद में इतना ज्यादा मोटिवेटिंग बात कह रहा हूँ, मेरे तो अभी तक चैनल पे सब्सक्राइबर्स बड़े भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैंने खुद को भी मोटिवेट कर लिया, तुम लोग को भी मोटिवेट कर दिया। तो यार इसलिए ना इस चैनल को लाइक करो, चैनल को कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार अगर कोई सजेशन है तुम लोग के पास कि अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना, देखो मुझे ना आदत नहीं है ये सब चीज़ों की, कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे सब लाइट को एडजस्ट करना है, बस आगे की मैंने 3-4 लाइट्स को एडजस्ट कर दिया तो उससे हो गया, अब कोई तरह चल गया है। तो तुम लोग के पास अगर सजेशन या एडवाइस है कि क्या मुझे करना चाहिए, या तो अपने सेटअप में क्या अच्छा लाना चाहिए जिससे और ज़्यादा अच्छा लगे, तो यार इसलिए तुम लोग बताना। और बता दिया मैंने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इट्स वास्ट साइनिंग आउट।